हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के इस वीडियो में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में JDK इंस्टॉल करना सीखने वाले हो, साथ ही साथ जावा का फर्स्ट प्रोग्राम नोटपैड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो ये भी जानने वाले हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए कॉमेंट जरूर डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जावा का प्रोग्राम नोटपैड के थ्रू रन कराना चाहते हो तो JDK होना चाहिए। JDK को इंस्टॉल करने से पहले या इंस्टॉल से भी पहले डाउनलोडिंग भी मैं बताऊंगा कि किस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। तो फिलहाल जो मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम है ये विंडोज 7 है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज 10 होगा तो आप दिस PC पे राइट क्लिक करोगे। अगर विंडोज 7 है तो कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओगे। जब आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे आपका दिखा देगा कि आपका ये कंप्यूटर सिस्टम कितने बिट का है। तो फिलहाल मेरा ये 64 बिट का है। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। जब हमें ये पता लग जाता है तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड JDK और आपका 64 बिट का होगा तो भी आपको 32 बिट ही यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जब लिखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करोगे डाउनलोड JDK 32 बिट विंडोज, तो फर्स्ट वाले लिंक पे नहीं जाना है, सेकेंड वाले लिंक पे जाना है। और इस लिंक का URL भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख लेना। तो जैसे इस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट, फाइल डिस्क्रिप्शन, फाइल साइज और डाउनलोडिंग का ये लिंक आपको दिख जाएगा। तो ये तो फिलहाल लाइनक्स के लिए है, मैक के लिए है, सोलरिस के लिए है। तो आपको नीचे आना है और नीचे पे यहाँ पे दो आपको दिखेगा, एक विंडोज X64 और विंडोज X86। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो X64 जो आपको दिख रहा है ये जो आपका 64 बिट के लिए है, और X86 जो दिख रहा है ये आपका 32 बिट के लिए। तो फिलहाल मेरा कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का है जो मैंने दिखाया था। तो मैं इसका जो ये लिंक, ये वाला, ये इस पे मैं क्लिक करके इसे डाउनलोडिंग के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसी को आपको जो है चेकबॉक्स पे राइट क्लिक कर देना है और डाउनलोड JDK विंडोज x64.exe पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं जाना है, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब क्रिएट कर लेना है और एक नया अकाउंट बना लेना है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो भी डिटेल डालना आप सही सही डालना, चूंकि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है अकाउंट आपका एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी सही सही डालना, हो सकता है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी मांगेगा। तो जैसे ही आपका ये लॉगिन बन जाएगा उसी तरीके से आप साइन इन कर लेना, यहाँ से साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आपका जो है JDK डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं अपने चल रहा हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम के फोल्डर में जहाँ पर कि मैं पहले से JDK डाउनलोड कर रखा हूँ। दोस्तों मैं आगे अपने ई ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे देखिए ये दो फाइल आपको दिख जाएगा, यानी JDK 8 और JDK 10 दोनों मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। तो फिलहाल मैं JDK 10 पे डबल क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं करना है, बस इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद यस करना है। यस करने के बाद जो भी स्टेप आपसे पूछा जाएगा उसको बस नेक्स्ट करते जाना है और फिर इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, इसको बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप एक चीज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ये जो सेकेंड वाला है दिस फीचर्स एंड ऑल सब फीचर्स, इसको सेलेक्ट कर देना है। दिस फीचर्स एंड ऑल सब फीचर्स यहाँ पे कर देना है। पब्लिक GRE पे भी जाकर के आपको इसको इस तरीके से कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल होने लगेगा और जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ और इस तरीके से ये थोड़ा सा समय लेता है। अब जैसे ही आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देगा जावा TMAC डेवलपमेंट की 1064 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आपको नहीं जाना है, यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा
पाथ कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमें सेटअप करना है और इसका पाथ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पाथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना है कंप्यूटर में, यदि विंडो 10 है तो दिस पीसी में जाना है। यहाँ पे जाओगे लोकल डिस्क सी में जाओगे, लोकल डिस्क सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक जावा नाम का फोल्डर दिख जाएगा। तो इस जावा में जाना है और इस जावा में जाने के बाद जेडीके 10 में जाना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर जेडीके 8 करोगे तो यहाँ पे जेडीके 8 करके आएगा, यानी जेडीके का जो सा वर्जन आप डाउनलोड करोगे वो यहाँ पे लिख के आएगा, जेडीके 10 या जेडीके 8 या जो भी फर्दर है। तो इस पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद बिन पे जाना है और बिन पे जाने के बाद इतने को आपको कॉपी कर लेना है, इस एड्रेस बार पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है इस तरीके से और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, इसकी अब जरूरत नहीं है। वापस आपको अगर विंडो 10 है तो दिस पीसी और यदि विंडो 7 है तो कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जब जाओगे तो यहाँ पे चेंज सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, तो चेंज सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो है आप जाओगे एडवांस में, एडवांस में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख जाएगा, यहाँ पे जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे पाथ दिखेगा नीचे वाले में, तो इस पाथ पे क्लिक करना है, तो पाथ को सिलेक्ट करना है। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो इसके लास्ट में जाना है, लास्ट में जाने के लिए आप इसमें कहीं पे भी क्लिक कर दो, 4 एरो की से भी लास्ट में जा सकते हो या डायरेक्टली एंड बटन आप अपने कीबोर्ड का प्रेस कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन लगाने के बाद आपको जस्ट कंट्रोल भी कर देना है, या चाहो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं राइट क्लिक करके ही पेस्ट कर रहा हूँ और इसके बाद ओके को प्रेस कर देना है, फिर से ओके को प्रेस कर देना है, फिर से ओके को प्रेस कर देना है, यानी 3 times ओके को प्रेस करना है और ये जो हमने ओपन कर रखा था प्रॉपर्टीज विंडोज को, इसको क्लोज कर देना है। अब हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। सर्च में CMD टाइप कर दो तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद हमें ये सबसे पहले इंश्योर होना है कि जेडीके सक्सेसफुली हमारा जो है इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपको इसमें कमांड चलाना है java-version और java-version लिख करके आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो यहां पर लिख देगा java वर्जन 10 2018-03-20 और इस तरीके से जो सा वर्जन रहेगा वो पूरा डिटेल में आपका लिख करके आएगा। अगर ये लिख करके आ रहा है, यहाँ पे देखिए 64 बिट भी दिखा रहा है ना, तो ऐसा लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जेडीके जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसमें आप नोटपैड के थ्रू जावा के प्रोग्राम कर सकते हो। और अगर ऐसा लिखा नहीं आता है, जैसे मैं इसी को डैश हटा करके वर्जन सिर्फ लिखता हूं, तो देखिए कुछ अलग चीज लिख करके आएगा कि एरर आएगा कि कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास वर्जन जावा लैंग क्लास, इस तरीके से कुछ लिख करके आएगा। अगर एरर टाइप का मैसेज आता है या कहता है कि इट इज नॉट ए स्पेसिफाई कमांड, तो आपको ये समझ लेना है कि जेडीके आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं पाथ अगर इंस्टॉल कर भी लिया है तो प्रॉपर आपने पाथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, और पाथ कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो को देखते हुए आप पाथ कॉन्फ़िगर कीजिए। तो दोस्तों जब आप कंफर्म हो जाओ कि आपका जेडीके प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम लोग इस पे जावा का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, जावा का प्रोग्राम करने के लिए आपको नोटपैड को ओपन कर लेना है। तो नोटपैड को ओपन कर लिया और मैंने एक प्रोग्राम पहले से कॉपी कर रखा था, तो इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसे सेव करना है, लेकिन सेव हम लोग इसे कहाँ करें और किस प्रकार करें, तो चलिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं कंप्यूटर में गया और यहाँ पर देखिए आप लोगों के दिखाने के लिए ये मेरा लोकल डिस्क एच जो आप देख रहे हो ये कंप्लीटली ब्लैंक है और इसके अंदर एक ही फोल्डर बना हुआ है माई जावा। माई जावा फोल्डर के अंदर भी कुछ भी नहीं है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। बैक आता हूँ वापस, तो ये लोकेशन आपने देख लिया लोकल डिस्क एच और माई जावा, ठीक है। तो इसके अंदर फिलहाल हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि इस फाइल को भी मैं यहीं पे सेव करूंगा। तो इस पे सेव में जाना है, सेव में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, मेरा जो ड्राइव था एच ड्राइव था, तो मैं एच ड्राइव में आ गया, माई जावा फोल्डर के अंदर आ गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग सेव करेंगे तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि जो ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो हमारा है
तो ये फंक्शन जिस क्लास के अंदर हो और जो क्लास का नाम हो उसी नाम से आपको सेव करना है। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, सिंपल है, और चूंकि इसमें एक ही क्लास है और एक क्लास के अंदर ही मेन है, तो सिंपल नाम से ही इसे मैं सेव करूंगा फिलहाल, और आप भी इसी तरीके करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे सिंपल और एक्सटेंशन लगाना है आपको डॉट जावा, यहाँ पे लगा देना है और डॉट जावा लगा करके इसे सेव कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। देखिए इसके अंदर जो है सिंपल डॉट जावा ये सेव हो चुका है माई जावा फोल्डर के अंदर। फिलहाल इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, तो इसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक और ओपन विथ नोट पैड आप कर सकते हो, या ये जो सेकेंड वाला ओपन आपको दिख रहा है इसको क्लिक करोगे तो ये नोट पैड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसे अब रन कराना है, तो रन कराने के लिए ये कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन होगा और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको जाना है। तो फिलहाल मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूं, ये कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया हूं। अब ये मैं किस लोकेशन में हूं, तो सी यूजर्स एमकेएस में हूं, तो हमें जाना होगा अपने उस ड्राइव में जहां पर यह फोल्डर है। तो मैं सीडी कमांड से बैक आ जाता हूं। अब मुझे जाना है किस में, तो एच ड्राइव में जाना है, तो एच और इस तरीके से कोलोन लगाना है, तो एच ड्राइव में आ गया। अब मैं वापस सीडी कमांड का यूज करके माई जावा जो ये फोल्डर है इस फोल्डर में हमें आना है, तो यहां पर सीडी लिखने के बाद स्पेस देना है और मैं अपने फोल्डर का नाम लिख रहा हूं माई जावा, और इस तरीके से मैं अपने फोल्डर में आ गया। अब इस फोल्डर में जो हमने सेव कर रखा है ये फाइल जो है इसका लोकेशन इसको मिल जाएगा। फिलहाल एक चीज देखो और दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर सिंपल डॉट जावा नाम का एक ही फाइल है, यानी केवल और केवल एक फाइल है। तो पहले इस फाइल को जो हमने अभी टाइप करा ये हमारा सोर्स कोड है और इसे हम लोग कंपाइल कराएंगे जावा कंपाइलर के मदद से। तो जावा कंपाइलर का कमांड क्या होता है, तो जावा सी होता है, जावा सी आपको टाइप करना है, आफ्टर डेट पूरा का पूरा लिखना है एस ए एम पी एल ई सैंपल डॉट जावा, हाँ, और लिखने के बाद जो है आपको इंटर प्रेस करना है। अगर हमारे सोर्स कोड में किसी भी तरह का एरर नहीं होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है एच कोलोन और ये जो लोकेशन है ये आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली बन जाएगा जैसे ही आप कंपाइल कराओगे। मेरे सोर्स कोड में कोई भी एरर नहीं है, सो डेट यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास फाइल बन चुका है। अब मैं एक चीज बता दूं कि इस प्रोग्राम को रन कराने पे होगा क्या, तो वापस मैं सोर्स कोड को, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करके और यहाँ से आप नोट पैड कर दोगे तो ये नोट पैड में ओपन होगा। देखो इस नोट पैड में मैंने कुछ नहीं, ये जो प्रिंट एफ आप सी में लिखते थे, सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते थे, तो प्रिंट लेन के अंदर जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिख रहा है हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा, बस ये इसमें प्रिंट होने वाला है, यानी कि ये फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड की तरह जो है, तो ये आने वाला है यहाँ पे। तो अब ये चूंकि हमारा ये जो सोर्स कोड है ये कंपाइल हो चुका है और कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बन चुका है, तो क्लास फाइल को अब हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए हमें जरूरत होती है जावा इंटरप्रेटर की, क्योंकि जावा कंपाइलर का यूज करता है केवल जो है बाइट कोड बनाने के लिए। ये डॉट क्लास जो आपको दिख रहा है ये आपका बाइट कोड है, तो इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर की मदद से हम लोग रन करा सकते हैं। तो जावा इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है या उसका कमांड क्या होता है, तो केवल जावा होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने बाइट कोड को रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए जावा इंटरप्रेटर मैंने बताया, तो यहाँ पे लिखना है आपको जावा, केवल जावा लिखना है, जावा सी नहीं लगाना है, और यहाँ पे जो हमने लिखा था सैंपल डॉट जावा, तो यहाँ पे केवल लिखना है एस ए एम पी एल ई सैंपल डॉट जावा नहीं लगाना है। यानी कि इस बार जो अब हमारा रन होगा तो ये बाइट कोड रन होगा, तो यहाँ पे अब इंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा, यानी कि मेरा कोड जो है सोर्स कोड जो है रन हो चुका है। अब यहाँ पे दो तीन कंफ्यूजन आपके आपका मैं दूर कर दूं कि सबसे पहली बात कि ये जो लोकेशन मैंने फोल्डर का नाम लिख रखा है माई जावा, कोई जरूरी नहीं आप अपना नेम भी लिख सकते हो या केवल जावा भी लिख सकते हो या कुछ भी एक्स वाई जेड रोहन सोहन मोहन कुछ भी आप इस फोल्डर का नाम दे सकते हो, ये जस्ट एक लोकेशन है। अब चूंकि जावा का प्रोग्राम हम कर रहे हैं सो डेट माई जावा नाम का मैंने फोल्डर बना लिया जो कि अच्छा लगता है देखने में। दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो सोर्स कोड है अगर आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कॉमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो निश्चित रूप से अपने फ्रेंड्स में जो कि जावा रिलेटेड स्टूडेंट्स है या जावा पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।